धन और सत्ता पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि उसने संसार का सारा ज्ञान अर्जित कर लिया है और इस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति या विषय नहीं है जिसके बारे में वह न जानता हो। राजा के राज्य में उसके मंत्री और सभासद उसकी अंधाधुंध तारीफ करते रहते थे, जिससे उसका अभिमान और भी बढ़ता गया। राजा ने कई विद्वानों से ज्ञान प्राप्त किया था और अब उसे विश्वास हो चला था कि उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं है। एक दिन अपने इस अतिगर्व के कारण उसने राज्य भर में एक घोषणा करवाई। उसने कहा, जो कोई व्यक्ति मेरे सामने तीन ऐसी बातें लेकर आएगा जो मैं नहीं जानता, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन अगर वह ऐसा करने में असमर्थ रहा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा की इस घोषणा से राज्य भर में हलचल मच गई। कई लोग इस चुनौती के बारे में सोचने लगे, लेकिन डर के मारे राजा के सामने जाने का साहस नहीं कर सके। सभी को विश्वास था कि राजा सब कुछ जानता है और कोई भी उसकी चुनौती का सामना नहीं कर सकेगा। कई दिनों तक कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। कुछ समय बाद राज्य के बाहर रहने वाला एक युवक जिसका नाम सरस था, राजा की इस चुनौती के बारे में सुनता है। सरस बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। उसे राजा की चुनौती में अपनी क्षमता पर भरोसा था, इसलिए वह राजा के दरबार में पहुंचा। दरबार में सभी लोग राजा के निर्णय को सुनने के लिए उपस्थित थे। राज्य के प्रतिष्ठित लोग, मंत्री और अन्य दरबारी सभी वहां मौजूद थे ताकि वे देख सकें कि राजा का निर्णय क्या होगा और यह सुनिश्चित कर सकें कि राजा कुछ भी अनुचित नहीं करेगा। जैसे ही सरस दरबार में पहुंचा, दरबारी उसे देखकर फुसफुसाने लगे कि यह युवक तो अपनी जान गंवाने के लिए आ गया है। राजा भी उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, क्या नाम है तुम्हारा? युवक ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मेरा नाम सरस है महाराज। राजा ने कहा, अच्छा तो तुम दावा करते हो कि तुम कुछ ऐसा जानते हो जो मैं नहीं जानता? सरस ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं ऐसी तीन बातें जानता हूँ जो आप नहीं जानते। राजा को सरस के इस आत्मविश्वास से थोड़ी ठेस पहुंची, लेकिन उसने अपनी शर्त की याद दिलाते हुए कहा, तुम्हें पता है कि अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें दंड स्वरूप मृत्यु दंड दिया जाएगा। सरस ने सिर झुकाकर कहा, हाँ महाराज, मुझे यह पता है। राजा ने फिर कहा, तो बताओ वो कौन सी तीन बातें हैं जो मैं नहीं जानता? सरस ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपको तीन बातें तो बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप उसे मानेंगे तभी मैं शुरू करूंगा। राजा ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, कौन सी शर्त बताओ? सरस ने कहा, मैं तीन दिन में तीन बातें बताऊंगा, एक दिन में एक। राजा ने अपनी सभा में बैठे मंत्रियों और दरबारियों की ओर देखा, फिर सरस की शर्त को स्वीकार कर लिया। युवक ने अपनी पहली बात बताई, क्या आप जानते हैं कि आपके राज्य में कुल कितने नगरवासी हैं? कितनी जनसंख्या है? राजा के चेहरे पर थोड़ी परेशानी दिखी, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए बोला, हाँ मुझे यह जानकारी है, मेरे राज्य में कुल 523,937 लोग हैं। राजा के जवाब को सुनकर दरबारी तुरंत खड़े हो गए और वाह महाराज की आवाजें दरबार में गूंज उठी। सभी राजा की तारीफ करने लगे, लेकिन तभी सरस मुस्कुराने लगा। राजा उसे हंसता देखकर बोला, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या मृत्यु के भय ने तुम्हें पागल कर दिया है? सरस ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरी मृत्यु आज नहीं है, क्योंकि आपका उत्तर गलत है। जब मैं यहाँ आ रहा था तभी पास के गांव के बुजुर्ग मनोहर काका का स्वर्गवास हो गया था और उसी गांव में तीन नवजात शिशुओं का भी जन्म हुआ है। क्या ये नवजात आपके राज्य की जनसंख्या में शामिल नहीं होते महाराज? दरबार में अचानक शांति छा गई। एक मंत्री ने कहा, यह युवक चतुराई कर रहा है, जनसंख्या का आंकड़ा रोज बदलता रहता है। सरस ने मंत्री की ओर देखते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मंत्री जी, आप इस बात का उत्तर दें कि क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? राजा और दरबारियों ने आपस में विचार विमर्श किया। सभा में उपस्थित प्रतिष्ठित लोगों के कारण सरस की बात को झुठलाया नहीं जा सकता था, इसलिए पहली बात को सही ठहराया गया। सरस जाने से पहले बोला, मैं कल फिर आऊंगा।
राजा को अब चिंता होने लगी। उसने आदेश दिया कि रात में राज्य की जनसंख्या के आंकड़े की जांच की जाए और उसे बताया जाए। अगले दिन सरस फिर दरबार में पहुंचा। उसके आत्मविश्वास को देखकर राजा को और भी घबराहट हुई। सरस ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज आपने अनेक प्रकार का ज्ञान अर्जित किया है, लेकिन कभी कभी दूर की चीजों को देखने में हम पास की वस्तुओं का महत्व नहीं समझ पाते। राजा ने कहा, बताओ अब क्या नहीं जानता मैं? सरस ने कहा, महाराज आप इस विशाल राज्य सिंहासन पर विराजमान हैं। क्या आप जानते हैं कि इस सिंहासन को किसने बनवाया था? राजा ने उत्तर दिया, यह हमारे दादाजी ने बनवाया था, फिर इस पर हमारे पिताजी बैठे, और उनके बाद मैं और मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी। यह तो मुझे पता है। सभा में बैठे मंत्री खुश हो गए, लेकिन सरस ने शांत स्वर में कहा, मुझे पता है कि यह आपको पता है, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह आपको नहीं पता। सरस ने सिंहासन की ओर इशारा करते हुए कहा, इस सिंहासन के चार पैर ना होकर पांच पैर क्यों हैं? बीच में एक मोटा पैर क्यों रखा गया है? राजा ने उत्तर दिया, यह मजबूती के लिए होगा। सरस ने कहा, होगा या है महाराज, ये आप सुनिश्चित कर सकते हैं? राजा के चेहरे पर हल्की सी चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने गुस्से से कहा, ये मजबूती के लिए ही है, तुम अब चतुराई कर रहे हो। सरस ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, ये पांचवा पैर आपके दादाजी के राज्यकाल के 50 वर्षों की प्रतीक स्वरूप रखा गया था। प्रत्येक पैर 10 वर्षों का प्रतीक है। राजा ने आश्चर्य से दरबारियों की ओर देखा और कहा, मुझे यह बात क्यों नहीं बताई गई? राजा ने फिर सरस से पूछा, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? तुम्हें यह पुरानी बात कैसे पता चली? सरस ने कहा, इसका उत्तर आपको मेरी तीसरी बात में मिल जाएगा महाराज, मैं कल फिर आऊंगा। राजा ने उस रात अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सरस के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाए। तीसरे दिन सरस फिर राजसभा में आया। राजा ने उसे देखते ही कहा, मुझे पता चल गया है कि तुम कल सच बोल रहे थे। यह सिंहासन तुम्हारे दादाजी ने बनाया था, लेकिन अब तुम मुझे और कुछ नहीं सिखा सकते, तुम्हें दंड मिलना तय है। सरस मुस्कुराते हुए बोला, महाराज आपके वचन से यह बात ठीक नहीं लगती, आपके परिवार में तो वचन से मुकरने की परंपरा रही है। राजा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार का अपमान करने की? कौन सा वचन से मुकर्रा हमारा परिवार? सरस ने उत्तर दिया, जब मेरे दादा ने आपके दादाजी को यह सिंहासन दिया था, तो आपके दादाजी ने प्रसन्न होकर 200 एकड़ भूमि और 500 सोने की मुद्राएं देने का वचन दिया था, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद वह वचन पूरा नहीं हो सका। राजा को सरस की बात सुनकर भारी आश्चर्य हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गुस्से से कहा, तुम्हारे दादा को 200 एकड़ जमीन और 500 सोने की मुद्राएं देने का वचन? यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? सरस ने शांत स्वर में कहा, महाराज यह कोई बकवास नहीं है। जब मेरे दादाजी ने यह सिंहासन आपके दादा को भेंट किया था, तो उन्होंने वचन दिया था कि मेरे दादा को 200 एकड़ जमीन और 500 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी, लेकिन आपके दादाजी का जल्दी ही स्वर्गवास हो गया और वह वचन पूरा नहीं हो सका। तब मेरे दादा ने कहा था कि जब अगला राजा होगा तो वह हमें यह उपहार देगा, तभी से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे दादा, फिर मेरे पिता और अब मैं, तीनों ने इस वचन का पालन होते देखने का इंतजार किया, लेकिन अब तक कोई यह वचन पूरा करने नहीं आया। राजा के चेहरे पर गहरी चिंता की रेखाएं उभर आईं। यह सुनकर दरबार में भी हलचल मच गई। राजा को लगा कि सरस की बात झूठी नहीं हो सकती। राजा ने सोचा कि यदि वह कहता है कि उसे यह वचन पता नहीं था, तो उसे अपने राज्य का आधा हिस्सा सरस को देना पड़ेगा, और यदि वह स्वीकार करता है कि उसे वचन पता था, तो उसे अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वह उपहार देना होगा जो उसके दादा ने वादा किया था। राजा समझ गया कि वह अपने ही जाल में फंस गया है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ मुझे यह बात पता थी, लेकिन मैं इसे जानबूझकर नहीं टाल रहा था। यह बात मेरे ध्यान से हट गई थी, पर अब मैं अपने दादाजी के दिए गए वचन का सम्मान करूंगा। राजा का स्वर गंभीर था।
लेकिन भीतर ही भीतर वह गुस्से और शर्म से जल रहा था। उसने अपने सभासदों और मंत्रियों की ओर देखा, जो पहले चापलूसी में जुटे थे, अब एकदम चुप खड़े थे। मुझे यह वचन पूरा करना होगा, राजा ने दरबार में घोषणा की। मैं अपने दादाजी का दिया हुआ वचन निभाऊंगा। सरस, तुम्हें 200 एकड़ भूमि और 500 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को इस घोषणा के बाद अपने राजधर्म का पालन करने के साथ साथ अपनी प्रतिष्ठा की भी चिंता थी। सरस ने सिर झुकाकर राजा का आभार व्यक्त किया, लेकिन उसके चेहरे पर वही संतुष्टि थी जैसे उसे पता था कि अंततः यही होने वाला था। राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया, इस वचन का पालन तुरंत किया जाए। सरस को वह भूमि और सोने की मुद्राएं प्रदान की जाए जिनका वादा मेरे दादाजी ने किया था। इसके बाद राजा ने फिर से दरबार की ओर मुड़कर कहा, सरस, अब मैं तुम्हारे प्रश्नों की परीक्षा समाप्त करता हूँ। तुमने 3 बातें कही थी, जिनमें से 2 की पुष्टि हो चुकी है। अब तुम्हारी 3री बात क्या है, बताओ, तुम्हें क्या झात है जो मुझे नहीं पता? सरस ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, मेरी 3री बात वही है जो आपने अब स्वयं सिद्ध कर दी है। आप ये सोचते थे कि आपके पास पूर्ण ज्ञान है, कि इस राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं जानते, लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे हम नहीं जानते या ध्यान नहीं देते। यही अहंकार हमें अंधा बना देता है। आप समझते थे कि आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज आपने स्वयं देखा कि ऐसी कई बातें हैं जो आपसे छिपी रहीं। चाहे वह जनसंख्या की सही गिनती हो, सिंहासन की कहानी हो, या फिर आपके दादाजी का अधूरा वचन, आपने यह सब नहीं जाना था। राजा चुप हो गया। सरस की बातें उसे भीतर तक झकझोर गईं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अभिमान इस तरह चुनौतीपूर्ण स्थिति में उसे ले आएगा। राजा को अब यह समझ में आ चुका था कि उसके अहंकार ने उसे कितना सीमित कर दिया था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है सरस, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे सब कुछ नहीं पता। आज तुमने मुझे यह सिखाया है कि किसी भी मनुष्य के पास पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। राजा ने अपने दरबारियों और मंत्रियों की ओर देखा और कहा, तुम्हारी बात सही है सरस, मैं यह स्वीकार करता हूँ कि मुझे सब कुछ नहीं पता। आज तुमने मुझे यह सिखाया है कि किसी भी मनुष्य के पास पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता। राजा ने अपने दरबारियों और मंत्रियों की ओर देखा और कहा, यह युवक आज हमें एक महत्वपूर्ण सबक दे गया है। ज्ञान का अभिमान खतरनाक होता है, हम सभी को इससे बचना चाहिए। आज से मैं अपने ज्ञान को लेकर अभिमान नहीं करूंगा, बल्कि इसे और अधिक विनम्रता से ग्रहण करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद राजा ने सरस को सम्मानित किया। उसने न केवल सरस को वचन के अनुसार भूमि और सोने की मुद्राएं दी, बल्कि उसे अपना सलाहकार भी नियुक्त किया। सरस ने राजा का धन्यवाद किया, लेकिन उसने विनम्रता से राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उसने कहा, महाराज, मेरा उद्देश्य आपको ज्ञान देना था, आपके राज्य का हिस्सा बनना नहीं। मैं अपने साधारण जीवन में ही खुश हूं। राजा ने उसकी बात मान ली और सरस को जाने की अनुमति दी। जब सरस राजमहल से बाहर निकला तो पूरा दरबार उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहा था। राजा के अभिमान का अंत हो चुका था और अब वह एक और अधिक विनम्र और न्यायप्रिय शासक बनने के लिए तैयार था। इस प्रकार सरस ने न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि राजा को एक अनमोल सबक सिखाकर पूरे राज्य के लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा भी बना ली।